latest Bollywood gossips, subscribe to our channel. To get our videos, first hit the bell icon and get notified for every video. देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने जब अनाउंस किया कि वो एक लंबे अरसे के बाद बॉलीवुड में कमबैक करने जा रही हैं, तो ये खबर सुनकर हम तो काफी खुश हुए। और क्या अमेजिंग फिल्म चुनी है उन्होंने, भारत। अब ऐसे में हम सोच ही रहे थे कि उन्होंने इस फिल्म के लिए कितना चार्ज किया होगा। प्रियंका की हॉलीवुड सफलता के बारे में तो सभी जानते हैं और कहा जा रहा था कि उन्होंने इस फिल्म के लिए 12 करोड़ मांगे थे, मगर एक इंसाइडर ने हमें बताया कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। इनफैक्ट प्रियंका चोपड़ा ने तो ये फिल्म फ्री में करने का डिसीजन लिया है। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि ये फिल्म उनके अच्छे दोस्त अली अब्बास जफर बना रहे हैं। वेल, अब जो हमें ये पता चल गया है तो हमें यकीन है कि उनके को स्टार सलमान खान उन्हें किसी न किसी तरीके से यकीनन कॉम्पनसेट कर ही देंगे। तो क्या आप भी प्रियंका और सलमान को इस आइकॉनिक फिल्म में देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं? नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। जो भी सलमान खान करते हैं वो एक ट्रेंड बन जाता है, फिर चाहे वो उनकी दबंग स्टाइल की मूंछ हो या उनके तेरे नाम वाला हेयर स्टाइल या उनका टाइगर वाला स्कार्फ। इनफैक्ट सलमान के ही कारण कई सारे लोग वर्कआउट करके फिट रहने लगे। हाल ही में हमने देखा कि किस तरह सलमान ने बॉबी देओल को वर्कआउट करने की सलाह दी और रेस 3 में बॉबी को फिट देखकर हमें समझ आ गया कि बॉबी ने उनकी सलाह मान ली। मगर सलमान के लिए ये सब नया नहीं है। सालों पहले जब बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन सलमान खान के कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस पर मेहमान बनकर गए थे तो उन्होंने कहा कि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो मैंने सिर्फ एक ही इंसान को अप्रोच किया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर कोई मेरी मदद कर सकते हैं तो वही हैं। ऋतिक ने ये भी बताया कि सलमान ने तुरंत अपने जिम की चाबी देते हुए कहा कि ये अब तुम्हारा है। सलमान ने ही इंडस्ट्री में फिटनेस का ट्रेंड शुरू किया है। वेल, आज अपने आसपास जब भी हम इतने हॉट लुकिंग स्टार्स को देखते हैं तो हम दिल से सलमान को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इंडस्ट्री में फिटनेस का ट्रेंड शुरू किया है ना? सलमान और कटरीना इंडस्ट्री में एक हॉट कपल माने जाते थे और उनकी ब्रेकअप की खबर ने सभी फैंस को काफी डिसअपॉइंट कर दिया, मगर फिर एक लंबे अरसे के बाद ये दोनों फिर से एक साथ आए और वो भी अपनी स्पाई थ्रिलर टाइगर जिंदा है के लिए। यहाँ दोनों ने सेट्स पर एक बार फिर दोस्ती कर ली और अपने बीच की सारी दूरियां मिटा दी। इन दिनों दोनों यूएसए में द बैंग रिलोडेड टूर के लिए गए हैं, जहां वो अपनी रॉकिंग परफॉर्मेंसेस से सभी को अपना दीवाना बना रहे हैं। शो के बाद भी ये दोनों अक्सर एक साथ नजर आते हैं और इंटरनेट पर इन दोनों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ऐसी ही एक पिक में टाइगर और उनकी टाइग्रेस लॉस एंजलिस के रेस्टोरेंट नोबू में एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे हैं। हाय हाय, वाकई में ये दोनों एक साथ एब्सोल्युटली स्टनिंग लग रहे हैं, है ना? सलमान खान इन दिनों अपने द बैंग रिलोडेड कॉन्सर्ट के लिए यूएसए में हैं। यहाँ उनके साथ डेजी शाह, जैकलीन फर्नांडिस, कटरीना कैफ, सोनाक्षी सिन्हा और प्रभु देवा जैसे कई टैलेंटेड आर्टिस्ट भी हैं। ये सब मिलकर इंश्योर कर रहे हैं कि हर शो सक्सेसफुल और एंटरटेनिंग हो, मगर फिर भी जब भी उन्हें टाइम मिलता है तो वो थोड़ा घूमने भी निकलते हैं। एक ऐसी ही आउटिंग के दौरान सलमान और जैकलीन अमेरिका की सड़कों पर टहल रहे थे जब कुछ फैंस ने उनके साथ पिक्स क्लिक करने की रिक्वेस्ट की। ये पिक्स अब वायरल हो चुकी हैं और हम सब रेस 3 कपल को फैंस के साथ पोज करता देखकर काफी खुश हो रहे हैं। लग रहे हैं ना ये दोनों एब्सोल्युटली अडोरेबल? नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। पहले ऐश्वर्या राय बच्चन और फिर कटरीना कैफ, अब देखते हैं अगली कौन होगी। जी हाँ, ये बोल थे सलमान खान के जब वो करण जौहर के कॉफी विद करण शो पर खेल रहे थे रैपिड फायर राउंड।
हुआ कुछ यूं कि करण ने जब सलमान से पूछा कि सबसे स्टनिंग एक्ट्रेस कौन है, इस पर सलमान ने झट से कहा ऐश्वर्या राय बच्चन, और 2 सेकंड की खामोशी के बाद वो बोले और दूसरी कटरीना कैफ। और अब इसके बाद देखते हैं कि अगली कौन है। इसके बाद करण जौहर अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। खैर, ये तो एक पुराने इंटरव्यू की कहानी है जहां पर सलमान एकदम मजाक के मूड में थे और उन्होंने तभी रणबीर कपूर को पप्पी भी कहा। तो अब आप भी इस एपिसोड को देखकर इसके मजे लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सलमान खान वाकई में एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिनकी फैन फॉलोइंग काफी अमेजिंग है। 52 साल की उम्र में भी उन्हें आज भी इंडस्ट्री का मोस्ट एलिजिबल बैचलर माना जाता है। इन दिनों सलमान अपने द बैंग रिलोडेड कॉन्सर्ट के लिए USA गए हुए हैं, जहां वो सभी को अपने रॉकिंग परफॉर्मेंसेस से इम्प्रेस कर रहे हैं। यहां हम देख सकते हैं कि किस तरह उन्हें फीमेल फैंस ने घेर रखा है और पिक्स के लिए रिक्वेस्ट किया। सलमान इन लेडीज के साथ बातें भी कर रहे हैं और उन्होंने इन सभी लेडीज को काफी स्पेशल भी फील करवाया और ये इन सब की मुस्कुराहट से साफ नजर आ रहा है। अब ये देखकर हमें एक बार फिर यकीन हो गया है कि सलमान ही इंडस्ट्री के असली सुल्तान हैं। और अब हमें ऐसी कई और डिलाइटफुल पिक्चर्स का इंतजार है। और आपको हम सब जानते हैं कि सलमान खान काफी अमीर हैं और वो इंडस्ट्री के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक है। फिर भी जहां उनके बाकी इंडस्ट्री बदीज बड़े बड़े बंगलोज में शिफ्ट हो गए हैं, वहीं सलमान आज भी अपने पुराने गैलेक्सी अपार्टमेंट फ्लैट में ही रहते हैं, पर अब और नहीं। सोर्सेस का कहना है कि सलमान ने 2011 में जिस बैंड्रा प्लॉट को खरीदा था, उस पर वो एक शानदार बंगलो बनाने वाले हैं। ये 6 मंजिल की बिल्डिंग होगी जिसमें 16 कार्स की पार्किंग की जगह होगी। ग्राउंड फ्लोर में किचन और फैमिली रूम होगा, वहीं ऊपर के फ्लोर्स में बेडरूम्स और फ्लैट्स होंगे। अब ये तो सभी जानते हैं कि सलमान ने पहले कभी भी गैलेक्सी अपार्टमेंट्स छोड़ने की बात नहीं की थी, तब ना जाने उन्होंने अपना मन क्यों बदल दिया। तो क्या सलमान अपने पिता सलीम खान के घर से अलग होकर अपना खुद का आशियाना बनाने वाले हैं? आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताएं। सभी का मानना है कि सलमान खान और यूलिया वंतूर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, और कल ही हमने आपको बताया था कि किस तरह सलमान ने यूलिया के सपने को पूरा करने में उनकी मदद की थी। ये दोनों अक्सर एक साथ नजर आते हैं और यूलिया तो अब खान परिवार का हिस्सा ही बन चुकी है। मगर हाल ही में हमें पता चला कि यूलिया सलमान से काफी नाराज है और इसका कारण है उनकी और उनकी एक्स कटरीना कैफ के बीच बढ़ती नजदीकी। जी हाँ, ये चूहे बिल्ली का खेल तब से चल रहा है जब से उनकी स्पाई थ्रिलर टाइगर जिंदा है रिलीज हुई और कटरीना एक बार फिर सलमान के करीब आ गई। और अब जब यूलिया आईफा 2018 पर गेस्ट बनकर गई थी, तो सलमान और कटरीना USA में एक दूसरे के साथ द बैंग रीलोडेड टूर में बिजी थे। तो अब आपका इस बारे में क्या कहना है, नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। सलमान खान एक अमेजिंग स्टार है और वो कभी भी सक्सेस और फेम के पीछे नहीं भागे। फिर भी उनकी फैन फॉलोइंग इंडस्ट्री के बाकी बड़े स्टार से कई ज्यादा है। ऐसा होते हुए भी वो एक हम्बल सोल है जो कभी भी किसी को मोटिवेट करने या मदद करने से नहीं कतराते। इनफैक्ट उनकी लेडी लव यूलिया वंतूर का तो पूरा करियर ही सलमान के कारण है। रोमानिया से इंडिया आकर सिंगिंग की दुनिया में अपना सपना पूरा करने की हिम्मत के बारे में बात करते हुए यूलिया ने कहा कि ये सब सलमान के ही कारण है, उसने ही मुझे गाने के लिए इनकरेज किया। उसने सबसे पहले मेरी आवाज़ सुनी और फिर मुझे इनकरेज भी किया। मुझे खुद पर इतना विश्वास नहीं था जितना सलमान को मुझ पर था। उसका कहना था कि मुझे हमेशा उस पर भरोसा होना चाहिए। उसके पास विजन है और उससे सही गलत की पहचान भी है। हाल ही में जब हमने यूलिया को आईफा 2018 पर देओल ब्रदर्स के साथ डांस करते देखा, तो हम इस बात से बेहद खुश थे कि उनका करियर कितनी बढ़िया तरीके से शेप अप हुआ है। और अब तो हमें पता चल ही गया है कि यूलिया का गॉडफादर कौन है, तो हम भी सलमान के इस एक्ट के लिए काफी प्राउड फील कर रहे हैं। और आप